सर पहले ब्लॉग में ही मेरा पोपट हो गया भाई। ये मोहतरमा ऐसे बाहर की तरफ बैठी हुई हैं, जाम तो रात को होना चाहिए, समझ रहे हो ना कौन से वाला जाम। दिल्ली में ऑफ रोडिंग, चलती फिरती सड़क पे ऑफ रोडिंग। लैपटॉप खराब हो गया है मेरा, तो वही बनवाने जा रहा हूँ अभी नेहरू प्लेस। तो हे गाइस व्हाट्सअप, नया दिन नई शुरुआत। सो स्वागत है आप सभी का मेरे पहले व्लॉग में। इनफैक्ट मेरा पहला मोटो व्लॉग भी है और पहला व्लॉग भी है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये व्लॉग जो है पसंद आएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले व्लॉग में ही मेरा पोपट हो गया भाई। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 20 से 25 मिनट के करीब का व्लॉग शूट कर लिया, मुझे लगा कि मैंने शूट कर लिया, कैमरा भी मैंने ऑन कर दिया था, लेकिन बाद में देखा अभी मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, उसने बताया कि भाई कैमरा तो ऑन ही नहीं हुआ। ओहो जो पोपट कटा है ना, क्या बताएं यार, बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। खैर कोई नहीं, पहले ही व्लॉग में पोपट हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि व्लॉग बनाना छोड़ देंगे। नहीं भाई, अभी तो शुरुआत की है, अभी तो बहुत दूर तक जाना है भाई मेरे। मैं जा रहा हूँ नेहरू प्लेस की तरफ, क्योंकि मेरा जो है लैपटॉप वो ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा। कल तो उसने बिल्कुल काम करना बंद ही कर दिया था, तो मैं और मेरा दोस्त है अभिषेक, उसके साथ मैं उसको अपने लैपटॉप को नेहरू प्लेस लेके जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भाई दिल्ली जो है, दिल्ली में अगर आप रहते हो और दिल्ली में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो नेहरू प्लेस में ही है। कंप्यूटर से रिलेटेड सामान, लैपटॉप, कंप्यूटर, गैजेट्स वगैरह से रिलेटेड सामान और उसकी सर्विसिंग वगैरह नेहरू प्लेस में होती है, लेकिन फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बच के रहना पड़ता है भाई। जिसको मौका मिलता है वो वहीं पे काट देता है। और ये बात सिर्फ नेहरू प्लेस की ही नहीं है, लाइफ में भी देखोगे ना आप, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना उनको बस मौका नहीं मिलता, अगर मौका मिले तो चोरी वो भी कर ले और मौका मिले तो काट आपका वो भी दे। नेहरू प्लेस में आ रहे हैं ना तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर चोरी भी होती है, आपको नकली माल भी चेप देंगे, महंगे दाम भी ले लेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सावधानी रखिएगा। तो अभी इस वक्त जो है मैं आश्रम वाले फ्लाईओवर के पास हूँ, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जाम ही रहता है। ओहो ओहो ओहो, यहाँ पे जाम, ये जगह ऐसी है जहाँ पे हमेशा आपको जाम ही मिलेगा। ये मोहतरमा ऐसे बाहर की तरफ बैठी हुई हैं, अगर हल्का से भी इधर उधर कट हुआ नीचे गिर सकती हैं। सुन तो नहीं लिया उन्होंने, मेरी तरफ पीछे मुड़ के देख रही थी, सुन भी लिया वो तो, क्या सही तो बोल रहा था मैं, ठीक से बैठा नहीं जाता, छोटी बच्ची है क्या। हालांकि मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है इस वक्त, धूप भी नहीं है, रात को बारिश होती है और सुबह मौसम ठंडा रहता है, इसलिए मैं शॉर्ट्स और निक्कर पहन के आ गया हूँ भाई, देख सकते हो। लेकिन जब जाम में फंसते हैं ना और प्लस हेलमेट लगाया होता है, तो जो नानी याद आती है ना पूछो मत यार, ये बस ख़राब हो गई है इस वजह से जाम लगा हुआ। आगे भी जाम है, मेरा अनुमान गलत निकला भाई, मुझे तो लगा कि भाई ये गाड़ी ख़राब है, उसके आगे तो खुल गया हुआ रास्ता। मोटर बाइक होने का यही फ़ायदा होता है कि आप जल्दी जल्दी निकल सकते हो, हालांकि जाम काफ़ी तगड़ा है। ये भाई साहब इधर बीच में निकाल रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रखी है। ये भाई ये बीच में घुसा लिया इसने, पता नहीं क्या ही करना चाहता है बीच में घुसा के। यहाँ पे आते के साथ ही धूप भी इतनी तेज़ निकल गई, हमें जाम से निकालो भाई पहले, जाम अभी थोड़ी होना चाहिए, जाम तो रात को होना चाहिए। जैसे कि आज सैटरडे है तो सैटरडे को तो रात को जाम हो तो ज़्यादा अच्छा है, समझ रहे हो ना कौन से वाला जाम, समझ रहे हो ना, मजाक नहीं कह रहा भाई, सीरियस मत ले लेना। कुछ लोग सुबह ही जाम लगा के आ जाते हैं जिनकी वजह से जाम लग जाता है, गाड़ी ऐसी ही चलाते हैं नशे में। अभी यहाँ पे जाम भी है, धूप भी है, गर्मी भी है, पसीने सब कुछ है यहाँ पे, यही तो है अपनी दिल्ली, लीजिए अपनी दिल्ली का आनंद भाई। बहुत ही लंबा और बहुत ही गंदा जाम है इधर तो, गर्मियों में बस के बराबर में या बस के पीछे खड़े होने में ऐसी तैसी हो जाती है, और यही ठंड में बड़ा स्वर्ग का एहसास कराता है। मेरे कैमरे का सेटअप देखना चाहोगे, देखो शीशे में, सामने देखो शीशे में, ऐसे दिख रहा है मेरा कैमरे का सेटअप, छोटा सा फोन। यहाँ से निकालेंगे अपन, ये देखो ऑफ रोडिंग, दिल्ली में ऑफ रोडिंग, चलती फिरती सड़क पे ऑफ रोडिंग भाई। बड़ी बड़ी बसों और ट्रकों के बराबर में तो चलने में डर ही लगता है, साला गिर ना जाए कभी, और सड़क वैसी ऐसे इंक्लाइन हो रही थी, क्या मज़ा आ रहा है, ढूँढ ढूँढ क्या सस्पेंशन के मज़े मिल रहे हैं भाई। दिल्ली की ऑफ रोडिंग आश्रम के पास, अब इसके अंदर डुबाएंगे कीचड़ में आराम से, चलो चलो कीचड़ में डुबा दी हमने पूरी कंप्लीट ऑफ रोडिंग, ले लो एक्सपीरियंस भाई। भारी वाहन कृपया बाईं तरफ चलें, दाएं बाएं मतलब लेफ्ट साइड में चलें, ओके। तो ये भी भारी वाहन ही है मेरा भी भाई, बंदे ऐसे देखते हैं कि भाई पता नहीं क्या ही लगा दिया मैंने, ऐसे मोटो व्लॉग कर रहा हूँ तो फ़ोन लगा के चल रहा हूँ, और ऐसे देखेंगे बंदे भाई पता नहीं क्या ही चीज़ है भाई। अब तक शायद मैंने 1 किलोमीटर भी नहीं कवर किया होगा, लेकिन इस 1 किलोमीटर में जो हालत ख़राब हुई है ना पूछो मत, जाम ने तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, चाहे रोड का जाम हो चाहे शराब का जाम हो। बीच में इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया है, इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया है, किसी ने सोची ना होगी, बीच में ऐसे ऑटो लगा दिया है ना। अभी नितिन गडकरी साहब ने, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एक
रूल निकाला, खैर बातचीत करने के लिए बोल रहे हैं इस पर कि भाई जो भी व्यक्ति हमें गलत पार्किंग की या जो भी उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा है उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ भेजेगा उसको हम इनाम देंगे 500 रुपये, शायद जहाँ तक है 500 रुपये की बात हुई, एग्जैक्टली मैं कंफर्म नहीं हूँ भाई। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो डेली बाइक चलाई करूँगा और अपना मेन सोर्स यही बना लूँगा भाई, 500 500 500 इतनी गाड़ियाँ, क्योंकि अगर ऐसे ही करता रहा मैं तो करोड़पति बन जाऊँगा भाई। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है और ठंडा ठंडा सा लगता है क्योंकि ग्रीनरी है और प्लस यहाँ पर थोड़ा सा जाम भी नहीं है। हाँ, तो देख रहे हो लाल हो गए कैमरे में, पता नहीं शायद पता चल रहा है या नहीं चल रहा। वैसे एक रूल होना चाहिए हर किसी के हेलमेट में ना, एक कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए कि रोड रेज कम हो जाए। बाइक चलती रहती है ना, चाहे भले ही गर्मी ही क्यों ना हो तो हवा आती रहती है, लेकिन जब बाइक रुक जाती है फिर चाहे ठंडी ही क्यों ना हो पूरा पसीने में और पोल्यूशन में हालत ख़राब हो जाती है। ख़राब हो गया ट्रक, दिल्ली में अगर ट्रक ख़राब होते तो कॉमन सिग्नल मिलता है भाई, उसके ऊपर झाड़ लगा देते हैं। मोड़ने में जो मज़ा आता है ना पूछो मत, जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे। ये देखो ये होते हैं कुछ बेवकूफ़ आदमी लोग, यहाँ एकदम राइट में लेके फिर बत्ती दे रहा है एकदम लेफ्ट की, ये भी देख रहा पीछे कौन आ रहा है, कुछ होश ही नहीं है, कुछ सेंस ही नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई ऐसी ही चीज़ों से आगे चल के एक्सीडेंट होते हैं। कुछ तो सेंस होना चाहिए, सेंस में तो चलो कम से कम भाई, देख रहे हो एकदम राइट में लेके एकदम वहाँ से लेफ्ट में आके तब भाई साहब लाइट दे रहे हैं और अचानक से कट मार रहे हैं, क्या ही बोल सकते हैं यार। रोड पे अगर तुम सही चल रहे हो ना तो गारंटी नहीं है कि तुम सेफ रहोगे, तुम्हारी खुद की गलती की वजह से नहीं, उनकी गलतियों की वजह से। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना रखी है लोगों को चलने के लिए, लेकिन कुछ महानुभाव होते हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ी करते हैं अपनी गाड़ी या फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे खड़ी करते हैं। तो उनमें से एक महानुभाव ये हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ी कर रखी है और आगे उससे आगे, और एक महानुभाव ये तरफ मेरी तरफ राइट तरफ देखेंगे तो वो भी एक हमारे रॉयल एनफील्ड ले रखी है, लेकिन हरकतें ऐसी कर रखी हैं। आश्रम से ऐसी तैसी बैंड बज गई भाई, आश्रम ने ऐसा हल कर दिया कि वृद्धाश्रम जाने की स्थिति आ चुकी है, इतना जाम लगा था वहाँ पर। जो भी यहाँ का निगम पार्षद है, जो भी बनवाता हो सांसद या विधायक, भाई सड़कें बनवा दो यहाँ पर, बारिश होगी तो कीचड़ भर जाता है पूरा, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, कोई फ़ायदा नहीं है इतनी ऊंची बिल्डिंगों का अगर तुम्हारी सड़कें ही ठीक ना हो तो। सड़क कैसी हो रखी है यहाँ पे, मेट्रो स्टेशन है, कितना ज़्यादा काम चलता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी चलती है यहाँ से, लेकिन फिर भी कुछ भी व्यवस्था नहीं ठीक से कर रखी, गड्ढे कहाँ पर खुले हुए हैं, कहाँ छोड़ रखा है, इट डजेंट मैटर। देख रहे हो सड़क का हाल, देखो पहले तुम्हें, मुझे लग रहा है एक बार जिसने बनाई उसके बाद बनाना भूल गया है भाई साहब। ये रही भाई पार्किंग अपनी, कहाँ लगाएं पार्किंग, चलो भाई आगे ही लगा लेता हूँ उसके मान के, चल भाई यहीं घुसा देता हूँ। सो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं नेहरू प्लेस में, सो अभी मैं अपनी बाइक को लॉक कर देता हूँ पहले। सो भाई लोगों अभी तो मैं नेहरू प्लेस पहुँच गया हूँ, अभी जस्ट यहाँ पे आगे चल के हमारी दुकान है, वहाँ पे जाके मैं सर्विसिंग कराऊंगा। सो अभी देख लो मौसम भी काफ़ी सही हो रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो भाई अपना लैपटॉप तो बन के तैयार हो गया है, अभी हरी शक कर रहा है, स्पीड काफ़ी फास्ट हो गई है पहले से। यहाँ पे भाई बिल बुला रहे हैं हमारा। सो यार अभी नेहरू प्लेस आया था तो लगे हाथ मैंने उसके कैमरा के लेंस के प्रोटेक्शन के लिए ये भी ले लिया, तो अप्रॉक्सीमेटली भाई कितना रेट, 150 में बात हो गई है हमारी, अब देख लो 150 में लगवा रहा हूँ ये, चल लगा दो भैया। सो नेहरू प्लेस में अपना काम तो हो गया भाई, लैपटॉप ठीक कराना था तो वो करवा लिया अपना, हालांकि खर्चा को थोड़ा सा ज़्यादा आ गया 2500 का, तो वही लगा SSD कार्ड उसके अंदर, काफ़ी दिनों से ना वो हैंग कर रहा था बहुत ज़्यादा, और कल तो बिल्कुल ही बंद हो गया था और ऑफिस का काम भी मैं ठीक से कर नहीं पा रहा था जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी, तो अभी उसको ठीक तो करवा लिया है, घर पर चल के देखते हैं कि कैसा चलता है। वहाँ पर भी चेक किया था काफ़ी सही चल रहा था, तो लेट्स सी सही चलना चाहिए, अपना घर तो पहुँचने वाले हैं हम। सो यार कमेंट करके बताना कि तुम लोगों को मेरा जो व्लॉग है वो कैसा लगा, ठीक है ना, और सपोर्ट देना ज़रूर। सो फाइनली अपने घर पे पहुंच चुके हैं हम,